वेलकम टू मिश्रा किचन चैनल। आज हम बनाएंगे पिज्जा का सॉस, तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। पिज्जा का सॉस बनाने के लिए यहाँ पे करीबन 4 मीडियम साइज टमाटर, 2 ग्रीन चिल्ली, 3 रेड चिल्ली और आधा इंच जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक डाल के उसको अच्छे से फाइनली ग्राइंड कर लिया। देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है, अभी हम उसको अच्छे से भून लेंगे। मैंने अभी पैन को गरम कर रही हूँ। पैन गरम हो जाने के बाद इसमें करीबन 2 स्पून ऑयल डाल के अच्छे से ऑयल को गरम कर लेंगे। चारों तरफ से ऐसे फैला लीजिए और अभी हम इसमें डालेंगे हमारा पेस्ट किया हुआ टमाटर। देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से पेस्ट किया था टमाटर, उसको डाल के करीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम स्पीड में फ्लेम में उसको पका लूंगी। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में करीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, अभी हम इसमें थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल के इसको धीमी आंच में 2 मिनट तक पका लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी स्पेनिच, कश्मीर चिल्ली पाउडर और करीबन 1 चम्मच शुगर और इसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम में 4 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए करीबन 4 से 5 मिनट तक पकने के बाद पानी और पेस्ट अलग हो गया, थोड़ा सा पानी ऊपर भी आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और करीबन 1 चम्मच सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से करीबन 15 मिनट तक धीमी आंच में पका लेंगे। बीच बीच में इसको अच्छे से चलाते रहिए। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ, आप चाहिए तो ओरिगानो और थोड़ा सा हर्ब भी ऐड करके उसको 5 मिनट तक धीमी आंच में पका सकते हैं, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं धनिया पत्ता देके उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी करीबन 1/2 कप और उसको हाई फ्लेम में उसको अच्छे से कंटिन्यूसली मैं मिक्स करूँगी। करीबन 5 से 7 मिनट ऐसे कंटिन्यूअसली मिक्स कीजिए। अभी हमारा पेस्ट एकदम गाढ़ा हो गया और पिज्जा का सॉस बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह पेस्ट पूरा मोटा आना चाहिए, एकदम गाढ़ा। मैंने इसी तरह बनाया है, आप भी पिज्जा सॉस इसी तरह बनाइए घर में। पिज्जा सॉस यहाँ पे बन के रेडी हो गया, इसको करीबन 15 से 20 दिन तक हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।